गाइस टक मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों बॉलीवुड एक्टर्स के टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो इन मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और जो मैं मूवीज बताना हूँ दोस्तों, ये सारे मूवीज जो है हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो इन सारे मूवीज को जो है आप गूगल से डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 10 पोजीशन पर है कुंग फू योगा। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज 3 फरवरी 2017 को ये मूवीज रिलीज हुआ था। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 5.2 की रेटिंग है। और इस मूवीज का जनरेशन है एक्शन एडवेंचर कॉमेडी। जी हाँ दोस्तों, और इस मूवीज में दोस्तों आप लोग को जो है बॉलीवुड एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, दिशा पटानी, सानू सूद और अमारिया दास्तूर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। अगर आप जो है इस मूवीज को नहीं देखे होंगे तो इस मूवीज को जो है आप गूगल से डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो 9 पोजीशन पर है दोस्तों, उस मूवी का नाम है दोस्तों XXX रिटर्न ऑफ सैंडर केज। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी रिलीज हुआ था 13 जनवरी 2017 को। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 की रेटिंग है। और इस मूवी का जनरेशन है एक्शन एडवेंचर थ्रिलर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। और इस मूवी में दोस्तों आप लोग को जो है बॉलीवुड एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, दीपिका पादुकोण। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। अगर आप जो है इस मूवीज को नहीं देखे होंगे तो आप जो है इस मूवीज को गूगल से डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं इस मूवीज को भी। और यहाँ पर दोस्तों 8 पोजीशन पर है वॉय वॉच। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था 12 मई 2017 को। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 5.6 की रेटिंग है। और इस मूवीज का जनरेशन है एक्शन कॉमेडी और क्राइम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो इस मूवीज को नहीं देखे होंगे तो इस मूवीज को भी आप जाकर देख सकते हैं गूगल पर। और यहाँ पर 7 पोजीशन पर है दोस्तों द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था दोस्तों 11 जुलाई 2003 को। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 5.8 की रेटिंग है। और इस मूवीज का जनरेशन है एक्शन एडवेंचर फैंटासी। जी हाँ दोस्तों, और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्त नसरुद्दीन शाह। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। अगर आपने जो है इस मूवीज को नहीं देखा है तो आप इस मूवीज को जो है गूगल से देख सकते हैं। और यहाँ पर 6 नंबर पर है दोस्तों द अमेजिंग स्पाइडरमैन। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था 29 जून 2012 को। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 7.0 की रेटिंग है। और इस मूवीज का जनरेशन है दोस्तों एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों इरफान खान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिलने वाला है इरफान खान। और यहाँ पर जो 5 पोजीशन पर है दोस्तों, उस मूवीज का नाम है दोस्तों जुरासिक वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था 9 जून 2015 को। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 7.0 की रेटिंग है। और इस मूवीज का जनरेशन है एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन। जी हाँ दोस्तों, और इस मूवीज में भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों इरफान खान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। अगर आपने जो है इस मूवीज को नहीं देखा तो आप इस मूवीज को भी जरूर जरूर देखिए गूगल्स पर। और यहाँ पर 4 नंबर पर है दोस्तों द ग्रेट गत्सबी। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था 17 मई 2013 को। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 7.3 की रेटिंग है। और इस मूवीज का जनरेशन है ड्रामा रोमांस। जी हाँ दोस्तों, और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। अगर आपने जो है इस मूवीज को नहीं देखा है तो इस मूवीज को भी जाकर आप गूगल से देख सकते हैं। और यहाँ पर 3rd पोजीशन पर है दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था 16 दिसंबर 2011 को। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 7.4 की रेटिंग है। और इस मूवीज का जनरेशन है थ्रिलर एक्शन एडवेंचर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिला है दोस्तों अनिल कपूर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। अगर आपने इस मूवीज को भी नहीं देखा है तो आप जो है गूगल से देख सकते हैं। और यहाँ पर 2nd नंबर पर है दोस्तों इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था 8 मई 1984 को। और इस मूवीज की जनरेशन है एक्शन एडवेंचर। और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है दोस्तों 7.6 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिलने वाला है अमरीश पुरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। और इस मूवीज में आप लोग को देखने को मिलने वाला है अमरीश पुरी। और यहाँ पर दोस्तों 1st पोजीशन पर है लाइफ ऑफ पाई। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवीज रिलीज हुआ था 13 नवंबर 2012 को। और इस मूवीज में और इस मूवीज की IMDb रेटिंग है 7.9 की रेटिंग है। और इस मूवीज की जनरेशन है एक एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवीज है। और इस मूवीज में भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों इरफान खान। तो यही था दोस्तों टॉप 10 का लिस्ट, जो कि बॉलीवुड एक्टर्स की मूवीज़ हैं हॉलीवुड मूवीज़ हिंदी डब के साथ अवेलेबल हैं। तो इन सभी मूवीज़ को जो है आप गूगल से देख सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, साथ से आप भी कर देना। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।